धीरज जी, सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, शुक्रिया। धीरज जी, मैं बहुत सारी चीजों समझना चाहता हूँ आज आपसे। सबसे पहले जो कुछ शब्द हैं, अभी हम लोगों को एक ऑडियो सुना रहे थे, इस कहानी को मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि झारखंड को डिजिटल झारखंड बनाने के लिए जमीनों के जितने कागजात हैं, जमीनों के जितने डॉक्यूमेंट्स, उनको ऑनलाइन किया गया और इसके लिए बाकायदा दो कंपनियों को टेंडर मिला, एक थी टाटा, दूसरी थी सीएमसी। उन्होंने सारा काम किया। टाटा और सीएमसी चूंकि प्राइवेट कंपनी थी, टाइम बाउंड के अंदर में इनको काम करना पड़ता था, तो जब रजिस्ट्री होती थी तो वो वीपीएन नेटवर्क पर हुआ करता था, ऐसा बताया गया बातचीत में कि वो एक वीपीएन नेटवर्क में था, झारनेट में था, तो उसके कुछ नोड्स थे जहां से उसको एक्सेस किया जा सकता था, इसके अलावा कहीं से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब जो है कहा जा रहा है कि इसका जिम्मा एनआईसी को दे दिया गया, एनआईसी का सर्वर, चूंकि पहले इसका सर्वर जो था झारनेट का, इसका रांची में था, जयपाइट में, जयपाइटी में, जबकि अब उसका सर्वर, एनआईसी का सर्वर जो है वो पुणे में है। अब पुणे में जिसके पास सर्वर तो सिक्योर है मान लेते हैं, लेकिन जिसके पास एक्सेस है, क्या वो आदमी ईमानदार होगा, इसकी क्या गारंटी है? बुधवा उराव को अगर मंगरा उराव बना दिया जाएगा तो आप किससे जाएंगे जवाब लेने के लिए? इसकी क्या गारंटी है कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? एक एकड़ को अगर 10 एकड़ कर दिया गया, सिर्फ एक जीरो बढ़ा दिया गया, तो आप दौड़ते रह जाइए एनआईसी में, आप किसके पास जाकर के फरियाद करेंगे? तो कितना प्रैक्टिकल लगता है ये समस्याएं? सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये वीपीएन क्या होता है, ये झारनेट क्या चीज है? सर जैसे वीपीएन के आप बात करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये असल में क्या होता है कि जब हम कहीं कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये कोई तीसरा ना सुन सके, इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1-to-1। अच्छा, मतलब एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वीपीएन जब भी हमें प्रोवाइड करता है तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अगर आपके घर में कोई सामान पड़ा हुआ है या आप घर में कुछ बना के खाते हो तो आपको वो ज्यादा सेफ लगता है कंपेरिजन टू आज के डेट पे अगर बाहर से कुछ ला के खाते। बिल्कुल सेम चीज है कि वीपीएन जब हमारा झारनेट देखता था तो उस टाइम हमारा ज्यादा सिक्योर, इसलिए हम लोग बोलते थे क्योंकि ये लोकल सर्वर से था। ठीक है, ना आज के डेट पे अगर हम बात करें कि पुणे पे हमारा सर्वर है, हम उसको वहां से किसी ना किसी तरह 1-to-1 तो नहीं लेके आते हैं और बहुत सारे एंड पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग सिक्योरिटी लॉस कर रहे हैं। हाँ, झारनेट का सिक्योरिटी और एनआईसी सिक्योरिटी में दोनों में डिफरेंस है, बट एक चीज है कि बहुत दूर घूम के आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज मिल सकता है कंपैरिजन टू पुराने तकनीक। अच्छा, तो जहाँ हम लोग वीपीएन की बात करेंगे, वीपीएन का बेस्ट थिंग, बट वही है कि आप कैसे उसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें धीरज जी एक और बात मैं समझना चाहूंगा कि चूंकि पहले रजिस्ट्री होती थी तो वो झारनेट के थ्रू होती थी और अब रजिस्ट्री होती है वो इंटरनेट के थ्रू होती है, तो क्या ये संभव है कि किसी होटल के किसी कमरे में बैठ करके और रजिस्ट्रार किसी जमीन की रजिस्ट्री कर दें इंटरनेट के थ्रू? सर अभी क्या है कि इसमें यूजर डिफाइंड हो गया है। अच्छा, कि कोई भी बंदा अपने नाम से लॉगिन करता है, अगर कोई रजिस्ट्री करना चाहता है तो वो कहीं से भी कर सकता है, बट उसमें क्या है कि वो एक उस बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हाँ फलाना बंदे ने इस रजिस्ट्री को किया है। अब उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने गलत किया कि सही किया, इसमें और कुछ नहीं है। पहले झारनेट में था कि एक पर्टिकुलर सिस्टम से होता था, मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस के एक पर्टिकुलर सिस्टम से, यानी एक आईपी एड्रेस से होगा, बट अभी क्या कि एक यूजर से लॉगिन होता है। अच्छा, यानी अगर मेरे पास मान लिया कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ कि मैंने एक सब्सक्रिप्शन ली किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, लेटेड भी नेटफ्लिक्स, लेटेड भी अमेजोन प्राइम, मैंने अपने भाई को भी पासवर्ड और यूजर आईडी दे दिया तो वो कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल इसी तरीके का? बिल्कुल सही सर। तो मैं यानी यूजर नेम और पासवर्ड अगर मेरे पास हो तो मैं भी कहीं बैठ करके रजिस्ट्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, इसमें जवाबदेही किसी की तय नहीं होगी क्योंकि वो आदमी तो है ही नहीं जिसको रजिस्ट्री का जिम्मा है। हाँ, अगर उनका यूजर आईडी पासवर्ड लीक होता है तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है। चलिए धीरज जी, बहुत सारी जो डाउट्स थे मेरे मन में, उस डाउट्स को आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई क्या क्या कहां पर दिक्कत आ रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ी आपने हमारी समस्या थी जो उस समस्या को सॉल्व आउट कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका धीरज जी।